Hello everybody, thank you so much for clicking this video. This is Priya Singh from Edufunda and I welcome you all with a very big heart on our channel Learn with Edufunda. Phrasal verbs क्या होते हैं ये तो अब आप अच्छी तरह से जान चुके हो. अब वक्त है कि आप कुछ phrasal verbs के usages के बारे में समझो, उनकी meanings को याद करो और फिर क्या आप उन्हें अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में थोड़ी सी जगह दो, क्योंकि बाकी तो वो खुद धीरे धीरे बना ही लेंगे, लेकिन तब जब आप उन्हें हर रोज़ थोड़ा सा वक्त देते हो तब. देर आर सेवरल फ्रेजल वर्ब्स इन इंग्लिश, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और आपको वो सारे फ्रेजल वर्ब्स याद करने की या पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. कोई नहीं कह रहा आपको कि सारे जितने फ्रेजल वर्ब्स हैं याद करके आओ, नहीं. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न ऑल ऑफ देम, बट येस यू मस्ट एटलीस्ट बी फैमिलियर विद द मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब्स. एंड टुडे इन दिस वीडियो आई ब्रिंग टू यू 30 मोस्ट कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब्स. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. The very first phrasal verb that we have in the list is clean up. It means to clean a general area. If you clean up a place where there is a mess, you make things neat and free of dirt. मतलब आप जब किसी जगह को साफ करते हो जो जगह गंदी हो तो उसे ही क्लीन अप करना कहते हैं. See, this is a very simple one and you can use it on a daily basis. हाँ, अगर आप रोज़ साफ़ सफाई करते हो तो. लेकिन कितनी आसानी से आप इसे याद कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. अपने भाई या बहन को कह सकते हो, हे जस्ट क्लीन अप योर वार्डरोब मैन, इट हैज़ बिकम अ मेस. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. प्रियंका क्लीन्ड अप द लिविंग रूम. प्रियंका ने कमरा साफ किया. नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्रेस अप. Dress up means to wear nice clothes. जब आप अपने casual कपड़ों को छोड़कर कोई special या formal कपड़े पहनते हो किसी event के लिए या किसी official meeting के लिए, तो उसे ही कहते हैं dress up होना. If you dress up or dress yourself up, you put on more formal clothes or different clothes in order to make yourself look smarter than usual. Here's an example. The kids were all dressed up for the costume party. The next one is get back. It means to have something returned. कोई चीज़ जो आपने किसी को दी थी, जब वो आपको वापस मिल जाती है तो आप उसे कहते हो get back. For example, Rishi got back his laptop from his college friend. Rishi को अपने कॉलेज के दोस्त से वो लैपटॉप वापस मिला. Now, the next one is find out. It means to discover a piece of information. किसी चीज़ के बारे में पता लगाना या उसके बारे में खोज करना, तो उसे कहते हैं find out. वैसे आपने पहले भी इसे ज़रूर सुना होगा, लेकिन अब आपको इसे यूज़ भी करना है, क्योंकि जब तक आप खुद बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी नो व्हेन यू फाइंड आउट द आंसर. जब तुम आंसर का पता लगा लो तो मुझे बताना. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ चेक आउट. इट मीन्स टू वेरीफाई अ पर्सन और थिंग. किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में जांच करना, उसे चेक करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, चेक आउट द ईमेल दैट आई सेंट यू यस्टरडे. मैंने कल जो ईमेल तुम्हें भेजा था उसे चेक करो.
The next one is look after. It means to take care of someone or something. किसी की देखभाल करना. Okay? For example, I have asked Tarun to look after my mother. मैंने तरुण से कहा है मेरी मम्मी का ध्यान रखने के लिए. Now, the next one is give away. It means to donate something or to give it as free. ये वर्ड आपने बहुत बार सोशल वेबसाइट्स पर भी देखा होगा, सुना होगा, लाइक हियर्स अ गिव अवे फॉर यू ऑल. तो वो गिव अवे क्या होता है? उसका मतलब होता है अपनी कोई चीज़ किसी को बिना उससे कुछ लिए ही दे देना, मतलब फ्री में दे देना अपनी खुशी से. टू गिव इट अप फॉर फ्री. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. रितु गेव अवे हर फेवरेट डॉल कलेक्शन टू अ पुअर चाइल्ड. रितु ने अपनी मनपसंद गुड़ियों को एक गरीब बच्चे को दे दिया. The next one is give up. It is a very common phrase which means to accept defeat or to stop doing something. Give up के दो मतलब हो सकते हैं, एक किसी चीज़ से हार मान लेना और दूसरा अपने किसी काम को जो आप कर रहे थे उसे बंद कर देना. Let's take examples for both. First one, you ought to give up smoking. तुम्हें smoking करना बंद कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए. Second one, I am too close to my goal to give up now. मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब हूँ और अब मैं इससे हार नहीं मान सकती. The next one is fill up. It means to fill something completely. कोई चीज़ या कोई जगह को पूरी तरह से भरने को फिल अप कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द सीट्स इन द हॉल वर फिलिंग अप फास्ट. हॉल की सारी सीट्स बहुत जल्दी ही भर रही थी. द नेक्स्ट वन इज ब्रिंग अलोंग. साथ लाना, टू टेक समवन और समथिंग विद यू. If you bring someone or something along, you bring them with you when you come to a place. आप कहीं जा रहे हो और अपने साथ किसी और को भी ले जा रहे हो तो उसे कहते हैं bring along, मतलब किसी इंसान या किसी चीज़ को अपने साथ लाना. For example, bring your son along with you when you come here. जब आप यहाँ आना तो अपने बेटे को भी साथ लेकर आना. सेकेंड वन, प्लीज़ ब्रिंग अलॉन्ग योर कैमरा टू द शो. तुम प्लीज़ अपना कैमरा लेके आना शो में. द नेक्स्ट वन इज मूव इन. नए घर में रहना. इट मीन्स टू एंटर अ न्यू हाउस. फॉर एग्जाम्पल, द फर्नीचर वॉज हियर व्हेन आई मूव्ड इन. जब मैं यहाँ रहने के लिए आई थी ये फर्नीचर यहीं पर था. जब आपको कोई कहता है योर फर्नीचर इज़ रियली नाइस तो आपने कह दिया मैं यहाँ रहने आई थी तो ये फर्नीचर पहले से यहाँ पे था. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ गेट अलोंग. इट मीन्स टू बी फ्रेंडली विद वन अनदर. एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करना, एक फ्रेंडली वे में बातें करना, एक फ्रेंडली वे में रहना. इफ़ यू गेट अलॉन्ग विद समवन, इट मीन्स दैट यू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, हरीश गेट्स अलॉन्ग विद हिज रूममेट. अनदर वन, ही डजंट गेट अलॉन्ग विद एनीवन. ही इज़ अ लिटिल एंटी सोशल. वो किसी के साथ नहीं रहता. Now the next one is let down. किसी को निराश करना या उसका दिल दुखाना. It means to disappoint somebody. If you let someone down, you disappoint them by not doing something that they expected you to do. For example, Nishika let her friend down when she showed up late.
निशिका ने देर से आकर अपने दोस्त को निराश कर दिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज डाइव इनटू। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। आप जब किसी काम को पूरी लगन और जोश के साथ करते हो तो उसे कहते हैं डाइव इनटू। फॉर एग्जांपल, द ओनली वे टू लर्न इंग्लिश इज टू जस्ट डाइव इन एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। इंग्लिश सीखने का यही तरीका है कि आप उसे पूरी लगन के साथ सीखो और गलतियां करने से ना डरो। यू गेट दैट? नाउ द नेक्स्ट वन इज पिक आउट। टू चूज, किसी चीज़ या किसी इंसान को चुनना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज पिक्ड आउट एज द बेस्ट प्लेयर। उसे सर्वोत्तम खिलाड़ी के रूप में चुना गया। द नेक्स्ट वन इज आस्क आफ्टर। इट मीन्स टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन। आप अपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त से मिलते हो और उनसे पूछते हो, अरे तुम्हारी मम्मी कैसे हैं, उनकी तबीयत के बारे में पूछते हो, तो उसे कहते हैं आस्क आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट योर स्कूल फ्रेंड एंड शी वॉज आस्किंग आफ्टर यू। मैं तुम्हारे स्कूल दोस्त से मिली और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, मतलब तुम्हारी सेहत के बारे में पूछ रही थी। द नेक्स्ट वन इज टर्न अप। इट मीन्स टू अराइव, मतलब कहीं पहुंचना। और इसका एक और मतलब भी होता है, टू इंक्रीज द वॉल्यूम और लेवल। किसी चीज़ के वॉल्यूम या उसके लेवल को बढ़ाना। और एक होता है टू अराइव, मतलब इफ़ यू से दैट समवन और समथिंग टर्न्स अप, यू मीन दैट दे अराइव। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल्स फॉर बोथ। सॉरी फॉर टर्निंग अप सो लेट, देर से आने के लिए सॉरी। द सेकेंड वन, टर्न अप द रेडियो, आई लव दिस सॉन्ग। रेडियो की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा दो, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। द नेक्स्ट वन इज आस्क फॉर। इट मीन्स टू डिमांड, किसी वस्तु की मांग करना। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज आस्किंग फॉर अ न्यू स्कूल बैग। नाउ द नेक्स्ट वन इज आंसर फॉर। इट मीन्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी काम के लिए जवाबदेह होना, जिम्मेदार होना। वेन यू हैव टू एक्सप्लेन योर एक्शंस और डिसीजंस टू समवन एंड इट जनरली गिव्स अ नेगेटिव सेंस। मतलब जब आपने कुछ गलत किया हो तो ये एक नेगेटिव सेंस देता है। आंसर फॉर, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना या जवाबदेह होना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक। मैं इस गलती का जिम्मेदार नहीं हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्रिंग फॉरवर्ड। टू प्रेजेंट, मतलब प्रस्तुत करना। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस ब्रॉट फॉरवर्ड सम न्यू एविडेंस इन द केस। पुलिस ने केस के कुछ नए सबूत प्रस्तुत किए। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैरी ऑन। इट मीन्स टू कंटिन्यू, मतलब जारी रखना। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट कैरी ऑन योर स्टडीज आफ्टर गेटिंग मैरिड। शादी के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। द नेक्स्ट वन इज बेयर विद। टू बी पेशेंट विद समवन और समथिंग, किसी को बर्दाश्त करना या फिर शांत रहकर किसी को सहयोग करना। इफ़ यू आस्क समवन टू बेयर विद यू, यू आर आस्किंग देम टू बी पेशेंट एंड ऑल्सो इट्स अ वे ऑफ आस्किंग और टेलिंग समवन टू वेट। आप कभी कभी इसको तब भी यूज़ कर सकते हो जब आप किसी को वेट करने के लिए कह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ बेयर विद मी अ मोमेंट व्हाइल आई फिनिश द ईमेल। आप प्लीज़ थोड़ी देर इंतज़ार करें जब तक कि मैं ये ईमेल ख़त्म कर लूँ। द नेक्स्ट वन इज डील विद। इट मीन्स टू हैंडल, किसी से निपटना या उसे हैंडल करना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट डील विद माई रूम मेट। मैं अपने रूम मेट के साथ नहीं रह सकती।
नाउ द नेक्स्ट वन इज काउंट ऑन, किसी पर विश्वास करना या उस पर निर्भर रहना. टू डिपेंड ऑन समवन और एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम देम. इफ यू काउंट ऑन समवन यू बिलीव देम टू सपोर्ट यू और हेल्प यू. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन काउंट ऑन मी टू हेल्प यू लर्न इंग्लिश. आप इंग्लिश सीखने के लिए मुझ पर विश्वास कर सकते हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डाई फॉर, इच्छा या चाह रखना. टू हैव अ ग्रेट विश, किसी काम के लिए आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो. फॉर एग्जाम्पल, आई डाई फॉर लवली हॉलीडे ट्रिप्स टू अ हिल स्टेशन विद माई फैमिली. मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपने परिवार के साथ किसी पहाड़ी जगह पर जाऊं. नेक्स्ट वन इज ड्रॉप इन, इट मीन्स टू कम सडनली, अचानक पहुंच जाना, बिना बताए किसी के घर जाना. टू कम फॉर अ विजिट स्पेशली विदाउट हैविंग रिसीव्ड एन इनविटेशन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम. आप बिना बताए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए जब किसी के घर जाते हो या फिर सरप्राइज देते हो, तो उसे कहते हैं ड्रॉप इन. फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर लव्स इट व्हेन पीपल ड्रॉप इन फॉर अ विजिट. मेरी दादी माँ को बहुत अच्छा लगता है जब कोई बिना इन्फॉर्मेशन दिए घर आता है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है. द नेक्स्ट वन इज सम गेस्ट ड्रॉप्ड इन यस्टरडे, कल कुछ मेहमान आ गए थे अचानक. द नेक्स्ट वन इज गो अलोंग, इट मीन्स टू कोऑपरेट, सहयोग करना. एग्जाम्पल, आई गो अलोंग विद देम ऑन दिस इशू, मैं इस मुद्दे पर उनका साथ दूंगी. द नेक्स्ट वन इज डू विदाउट, इट मीन्स टू मैनेज विदाउट हैविंग समथिंग. किसी चीज़ के बिना काम चलाना या किसी इंसान के बिना काम चलाना. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन नॉट डू विदाउट माई मदर, मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकती. सेकेंड वन, आई कैन नॉट डू विदाउट माई सेल फोन, आई कैरी इट वेयर एवर आई गो. मैं अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकता, मैं उसे हर जगह अपने साथ ले जाता हूँ. क्या आप भी यही करते हो? द नेक्स्ट वन इज गेट ओवर, इट मीन्स टू रिकवर फ्रॉम अ बैड सिचुएशन. किसी बुरे वक्त या बहुत मुश्किल हालात से खुद को उभारना, खुद को रिकवर करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ ट्राइंग हार्ड टू गेट ओवर हर पेन, वो अपने दर्द से उभरने की बहुत कोशिश कर रही है. एंड हियर वी आर विद द लास्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ टुडेज एपिसोड, फॉल बिहाइंड. इट मीन्स टू फेल टू कीप अप विद द पेस, पीछे रह जाना. If you fall behind, you do not make any progress or move forward as fast as other people. आप अपने साथ के दूसरे लोगों से पीछे रह जाते हो क्योंकि आपकी स्पीड उनके मुकाबले ज़रा कम है. For example, I don't want my child to fall behind in the class. मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा क्लास में पीछे रह जाए. Second one, If you do not work hard, you will fall behind. अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते तो तुम पीछे रह जाओगे. और आप भी अगर अब भी phrasal verbs नहीं use कर सकते तो आप भी पीछे रह जाओगे. इसलिए ये phrasal verbs आप याद करो और इन्हें daily use करो. So that's all about today's lesson. Thank you so much for being with me on this video and I hope you enjoyed it. And yes, if you really enjoyed it, then please like the video and do subscribe our channel. Until next time, take care and keep watching Learn with Edufunda.